आपके घर में जो पुराने फोन पड़े हैं जो कोई नहीं यूज करता, अब उसको यूज करने के 10 कमाल के तरीके बताएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने स्मार्टफोन को एज अ सिक्योरिटी कैमरा यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी कैमरा यूज करने के सेटिंग्स में जाके आपको डिस्प्ले का टाइम आउट एकदम बढ़ा देना होगा, कि इसका डिस्प्ले का भी बनना, ब्राइटनेस आप एकदम लो कर सकते हैं ताकि बैटरी खर्च ना पड़े, अभी दिखाने के लिए थोड़ी सी बढ़ा देंगे। उसके बाद इस टाइप की होम सिक्योरिटी एप्स होती है, ये वाली अल्फ्रेड है और ये अभी मेरे को देख रहा है। ये होम सिक्योरिटी हम लगाते हैं इस वाले कोने के अंदर और समझ लो मैंने इस वाले कोने में लगा के रख दिया। अब मेरे को अगर देखना है तो मैं दूसरे फोन पे सेम ऐप यूज कर सकता हूँ और मैं पीछे देख सकता हूँ अपने आप को। हेलो हेलो, जैसी घर में घुसपैठ वैसे आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन। और खाली देखनी आप एक्चुअली बात कर सकते हो वॉइस वाला अगर आप ऑन करो, क्योंकि मोबाइल में माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों होते हैं। दोस्तों किताबें पढ़ने का हम सबको शौक होता है, मतलब सबको नहीं कुछ लोगों को शौक होता है। किताबें कितनी भारी भरकम होती चली जा रही है भाई। किताब नहीं है ये, पेंटिंग वाली किताब। आप लिटरली अपने स्मार्टफोन को एक मोबाइल रीडर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अमेजोन किंडल की जो ऐप है वो एकदम नेक्स्ट लेवल रियलिस्टिक सी फील देती है, एकदम ऐसा लगता है कि एक्चुअल एक पेपर है जिसको आप पढ़ रहे हो। और थोड़ी सी अगर आप ब्राइटनेस कम करो, नाइट मोड ऑन कर लो और किंडल ऐप को यूज करो तो काफी हद तक एक मोबाइल रीडर वाली फील आएगी। और इंक वाला डिस्प्ले नहीं है जैसे किंडल में होता है, बट तब भी भाई पुराने मोबाइल पे रीडिंग का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल। एक मोबाइल को एज अ मिनी लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फोल्डेबल फोन है तो और भी बढ़िया, माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करके भाई अपना टाइपिंग वाइपिंग शुरू करी। ओ माय गॉड वाओ, मैंने जस्ट रियलाइज करा इस वाले कीबोर्ड में डबल स्पेस बार है। भाई इसके पास पता है डबल स्पेस बार क्यों है? क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड को स्पेस चाहिए था। और जैसे काम खत्म, लैपटॉप हमारी जेब में। कैसा लग रहा हो भाई? भाई अगर ये मेरे कॉलेज टाइम में होता तो मैं तो टॉप ही करता भाई। क्या स्क्रिप्टेड लाइन बोली है, 20 रुपए दिलवागे। हम सब के घर में रिमोट है, कहीं सोफे के पीछे कहीं तकिए के नीचे, हमेशा खोते रहते। अपना पुराना स्मार्टफोन हजारों रिमोट का काम कर देता, पर आप कुछ नहीं करना, आपको ये बटन दबाना है, ऑन हो गया, ऑन हो गया। नाइस, चैनल चेंज करें, चैनल चेंज, चैनल हो गया, चेंज हो गया भाई। दिस इज टेक्नोलॉजी, बंद कर देना भाई। अपना टीवी भी ऑन ऑफ कर सकते हो और दूसरों का टीवी भी सेम करा जा सकता है भाई। अगर फोन भी खो जाए तो उसी के लिए आ जाती है हमारी नेक्स्ट ट्रिक, फाइंड माय फोन वाली। पुराने फोन से नया फोन ढूंढने, अपने स्मार्टफोन से अपनी कार को भी आप ढूंढ सकते हो। लिटरली आपको कुछ नहीं करना, एंड्रॉइड में एक्चुअली फाइंड माय वाली एप्लीकेशन होती है। अगर आप कोई GPS ट्रैकर भी खरीदने जाओ वो भी 10-15 हजार रुपए का आ जाता है, बट आप लिटरल अपने फोन को एज अ GPS ट्रैकर यूज कर सकते हो। आपको बस अपने स्मार्टफोन को कार में चार्जिंग के ऊपर लगाना है और फाइंड माय फोन उसके बाद ऑन करना है, उसके बाद गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएगा, उसके साथ साथ आवाज भी बजा सकते हैं। एक काफी मस्त चीज जो आपको जरूर करनी चाहिए अपने पुराने स्मार्टफोन के साथ, या फिर नया वाला भी है उस पर भी चल जाइए, आप एक्चुअली YouTube खोल के टेक बर्नर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेस्ट ट्रिक एवर। दोस्तों दिल से, हम सब बच्चे हैं और हम सबको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली काफी सारे जो नए पेरेंट्स बने वो अपने घर में एक सिक्योरिटी कैमरा ऐसे कुछ लगा के रखते हैं और सबको ऐसा एक बेबी मॉनिटर टाइप चाहिए होता है। आप इस वाली ऐप को यूज करके एज अ सिक्योरिटी कैमरा या फिर एक बेबी मॉनिटर भी इसको रख सकते हो। लिटरली स्क्रीन बंद है और मैं भाई बच्चों को देख सकता हूँ भाई, और बच्चों यार टाइम पास भी कर सकते हैं, स्पीकर में बोलो वो डर जाएगा। नाइस कि नहीं भाई? नाइस। आप एक स्मार्टफोन को एक पूरा गेमिंग डिवाइस में बदल सकते हैं, कंट्रोलर सब अटैच हो जाता है इसके ऊपर। एक्चुअली हमने पूरी वीडियो बना रखी है, बट बेसिकली इसके अंदर आपको एक कंट्रोलर अटैच करना होता है और काफी सारी पुरानी वाली गेम्स हैं, टेकन है, कॉन्ट्रा है, मारियो है भाई, अलग अलग फाइटिंग वाली गेम, रेसिंग वाली गेम, PS2 तक के सारे गेम्स आप ऑलमोस्ट किसी भी बेसिक स्मार्टफोन में खेल सकते हो, जो काफी तगड़ा है। हम सब के लैपटॉप में एक कैमरा है, जो लाख लाख रुपए के लैपटॉप है उसमें भाई 2 रुपए का कैमरा लगा रखा है। और दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता, बट आपके स्मार्टफोन में भी कैमरा है और इस कैमरे को लैपटॉप में भी कनेक्ट करा जा सकता है, वेरी वेरी हाई क्वालिटी। ये देखो मैं दिखाता हूँ, इस वाले कैमरे पे उंगली रखूंगा इसका मतलब ये वाला कैमरा यूज में नहीं, इस वाले कैमरे पे उंगली रखूंगा मतलब गायब हो जाएगा, मतलब ये वाला कैमरा इज द रियल डील। ओह माय गॉड सर, गिव मी प्रमोशन। बेसिकली एक एंड्रॉइड पे ऐप है ड्रॉइड कैम करके, जिससे आप मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, वेरी नाइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग मजा आ जाता है। हम सबके लैपटॉप पे ट्रैक पैड है, काफी का काफी सस्ता सा होता है, काफी खराब हो जाता है, पर हमारे फोन का टच बहुत ही ज्यादा स्मूथ और मजेदार। अपने लैपटॉप ट्रैक पैड के फोन को एज अ ट्रैक पैड आप यूज कर सकते हैं। दिस पीसी खोल लेते हैं भाई। ओ ये खोल लिया भाई। हम सब में से काफी लोगों के पास लैपटॉप है, ऑलमोस्ट सबके पास मोबाइल है। कंट्रोलर खरीदने में थोड़ा सा आलस हो जाता है, बट कोई जरूरत नहीं है कंट्रोलर, अपने मोबाइल को एज अ कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। जैसे काफी सारी हमारे पास गेम्स है, बट इसमें मैं चलाऊंगा ये वाली रेसिंग वाली गेम। अरे मेरे को क्यों मार रहा? ओ भाई देखा, जो भैया को बाय बाय कर दिया मैंने। दिस गेम इज नाइस, बट वी लाइक द गेम ऑफ लाइफ।
अब टाइम आ गया है गुड नाइट बोलने का। अपने स्मार्टफोन को तकिए के नीचे रख के अगर आप गुड नाइट हो जाओ तो ये आपकी स्लीप को भी ट्रैक कर सकता है, कब खराटे लिए, कब गहरी सांसें भर रहे थे, सब कुछ स्मार्टफोन को पता चल जाएगा। अगर कभी लैपटॉप पे स्क्रीन की कमी पड़ जाए तो स्मार्टफोन को एज अ सेकंड डिस्प्ले आप यूज कर सकते हो। भाई जो वीडियो लैपटॉप पे वो सेम वीडियो मोबाइल पे भी आप देख सकते हो, और खाली देखने आप एक्चुअल कंट्रोल भी कर सकते हो भाई अपने लैपटॉप को मोबाइल से, जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है बट काफी इंटरेस्टिंग है। अपने स्मार्टफोन को एज अ गूगल होम भी यूज कर सकते हो। आपको एक स्पीकर चाहिए जिसे आपको स्मार्टफोन को कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद ओके गूगल प्ले टेक बर्नर वीडियोस, प्लेइंग टेक बर्नर ऑन यूट्यूब, ओके गूगल Tell me a joke. Why won't shrimps share their treasure? Because they're shellfish. साउंड इफेक्ट अच्छा था। फोन में भाई कुछ नहीं चल रहा, कैमरा नहीं चल रहा, माइक वाइक सब बंद पड़ गए, स्पीकर बंद। एटलीस्ट एज अ कंपस तो भाई किसी भी स्मार्टफोन को यूज करा जा ही सकता है। हम सबके पास स्मार्टफोन है, उबर और ओला में आपने नोटिस करा सबने अपना एक स्मार्टफोन लगा रखा होता है गूगल मैप्स देखने के लिए। आप सेम चीज अपने एक ओल्ड स्मार्टफोन के साथ भी कर सकते हो, उसकी तार डायरेक्टली कनेक्ट करके और उसमें आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो आप गूगल मैप्स चला के छोड़ सकते हो, काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है अगर आप एक्स्ट्रा पड़ा है तो भाई करा ही जा सकता है। लास्ट में आप एक्चुअल अपने स्मार्टफोन को एज अ रिसोर्स मॉनिटर, रिसोर्स मॉनिटर मतलब कितना रैम ले रहा है, कितनी बैटरी है, कितना भाई परफॉर्मेंस चल रहा है, कितने कोर ऑन है, सारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर सकते हो जब आप गेम खेल रहे हो या फिर आप कोई भी नॉर्मल काम कर रहे हो। तो काफी इंटरेस्टिंग था, हमको बस इन सबको ट्राई करने में काफी ज्यादा मजा आया, होपफुली आपको भी आया इन सबको देखने में और ट्राई करने में। तो ऐसे वाले वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब बटन दबोच लिया जाए और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।